सब्सक्राइब कीजिए माय एक्सपीरियंस माय रेसिपी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा। माय एक्सपीरियंस माय रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला। फ्रेंड्स, अगर आप लोग शाही पनीर, मटर पनीर या कढ़ाई पनीर खाकर बोर हो गए हैं तो आप लोग एक बार पनीर बटर मसाला बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आइए देखते हैं हमने पनीर बटर मसाला बनाने के लिए क्या क्या सामग्री ली है। यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको हमने काट कर ले लिया है, थोड़ा सा बटर, 15 से 20 काजू, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेजपत्ता, 8 से 10 काली मिर्च, 4 छोटी वाली इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप लोग तीखा खाना चाहें तो और मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पिसी हुई चीनी ली है, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं वरना इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ हमने कुछ दूध की मलाई ली है, जिसको हमने फेंट कर ले लिया है, ये घर की मलाई है। 2 छोटे साइज के टमाटर, इसको काट कर ले लिया है, 2 बड़े साइज की प्याज, इसको भी हमने रफली काट लिया है, 4-5 कली लहसुन, 1 हरी मिर्च, छोटा सा टुकड़ा अदरक का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर अपनी कढ़ाई गैस पर रख दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, बटर पनीर है तो बटर डालना जाहिर सी बात है। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल भी डाल देंगे, वरना क्या होता है, बटर हमारा जल जाता है। थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है तो इसमें हम अपने खड़े मसाले डाल देंगे, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, थोड़ा सा चलाएंगे। अगर आप लोग बटर ना डालना चाहें तो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा चलाएंगे। हरी मिर्च, प्याज को 2 मिनट हम भून लेंगे। हमारी प्याज हल्की सी पक गई है तो इसी समय अपना टमाटर डाल देंगे, थोड़ा चलाएंगे, नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप लोग। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर, इसी समय हम काजू डाल देंगे, थोड़ा देर चलाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रहने दीजिए। फ्रेंड्स, मेरे सभी वीडियो देखने के लिए आप लोग माय एक्सपीरियंस माय रेसिपी चैनल को YouTube पे सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो उसमें मेरे सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय हम थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें।
हमने आधा कप के लगभग पानी डाला है। अब इसको हम ढककर पकने देते हैं जब तक हमारा टमाटर बिल्कुल पक ना जाए। टमाटर हमारा पक गया है तो हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसे एकदम ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस कर ग्रेवी तैयार कर लेंगे। हमारा मसाला ठंडा हो गया है तो इससे हम तेज पत्ता और दालचीनी हटा देते हैं, क्योंकि इसका पूरा फ्लेवर हमारे मसाले में आ चुका है। इसको पीसेंगे तो हमारी ग्रेवी चिकनी और स्मूथ नहीं बनेगी, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। और हमने जो इलायची ली थी उसको भी हमने छील कर यहाँ पे उसके दाने डाल दिए हैं। तो चलिए इसको ग्राइंडर में पलटा के पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर ग्रेवी हमारे यहाँ पर इसकर तैयार हो गई है। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में थोड़ा सा हम घी डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम घी डालेंगे। यहाँ पे आप बटर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर घी यूज कर रही हूँ। यहाँ पर हमें फ्लेम को लो ही रखना है। इसके बाद इसमें अपनी ग्रेवी डाल देंगे। हमने यहाँ अपनी सारी ग्रेवी इसमें डाल दी है और जार को भी थोड़ा सा पानी से धोकर वो भी डाल दिया है। तो यहाँ हमने एक कप के लगभग पानी डाला है क्योंकि हम ग्रेवी को अभी थोड़ा सा पकाएंगे। इस समय आप थोड़ा सा नमक और गरम मसाला या फिर लाल मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो अभी ऐड कर दीजिए इसमें। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी क्योंकि हमने थोड़ा कम नमक लिया था पहले, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसी समय अगर आप ग्रेवी में थोड़ा मिठास पसंद करते हैं तो चीनी ऐड कर दीजिए। मैं इसमें छोटा चम्मच, एक चम्मच चीनी ऐड कर दूंगी और गरम मसाला थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे। तो इसको हम ढककर पकाते हैं। हमने ग्रेवी को 2 मिनट पकाया है। हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। इस समय हम अपना पनीर इसमें डाल देंगे। चला देंगे, इसको 2 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इसी समय थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मलाई ऐड कर देंगे जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ दिखेगी और बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। हमने अपनी ग्रेवी को ढककर 2 मिनट ही पकाया था तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको हरे धनिए से सजा देते हैं।
चलिए इसको हम एक बाउल में पलटा लेते हैं। हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो हम लास्ट में इसमें एक क्यूब्स बटर की डाल देंगे और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल देंगे, जिससे इसका लुक बहुत ही टेस्टी दिखेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।